Assalamualaikum friends, welcome to ITSITEON channel. दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि StreamYard के जरिए आप किस तरह से लाइव कर सकते हैं YouTube, Facebook और दोस्तों StreamYard से क्या बेनिफिट्स हैं, StreamYard से अंदर क्या फीचर्स हैं और StreamYard से कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, StreamYard से मोबाइल के साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं StreamYard के ज़रिए किस लाइव करना फॉर तमाम उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करूंगा। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलता हूँ वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो आपने अगर मैं पीसी से मैं करना कर रहा हूँ तो पीसी से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने लैपटॉप या पीसी है आपके पास तो आपने वेबसाइट है StreamYard.com, ये आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ से StreamYard.com इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह की आपके पास एक स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले स्क्रीन आने के बाद आपके पास ये लॉगिन और गेट स्टार्टेड का आएगा। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करें तो आपने गेट स्टार्टेड करना होगा और यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना होगा। तो ईमेल देने के बाद गेट स्टार्टेड कर दें। तो मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना लॉगिन करूँ। तो आपने गेट स्टार्टेड में अपना ईमेल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपके पास ईमेल जाएगा, वहाँ से आपको कोड आएगा 6 फिगर का, तो वो आपने डालना है। तो आप लॉगिन हो जाएंगे, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। इस तरह से इजी मेथड है। तो उसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन पे मैं अभी करना करता हूँ तो मैं लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ये देख सकते हैं। अभी दोबारा से लॉगिन वाला वही बता रहा है मैसेज, तो मैं लॉगिन करके बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि 6 डिजिट कोड मैंने अपनी ईमेल दिया है, तो ये मेरी ईमेल एड्रेस पे जा चुका है। तो मैंने अपनी यहाँ से जीमेल को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो जीमेल को ओपन करने के बाद gmail.com लिख देते हैं। तो जैसे ही gmail.com लिखेंगे gmail.com ये हमारे गूगल पे बनाई हुई है, तो यहाँ से ये मेरे ईमेल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि 6 डिजिट कोड में मुझे यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे मैंने इसे 6 डिजिट कोड वहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेता हूँ। 6 डिजिट कोड मुझे ईमेल पे आया तो मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। तो इसको लॉगिन कर लें आप दोस्तों। तो ये हमारे पास न्यू स्क्रीन है, अभी हमने लाइव करनी है, क्या करना है सब कुछ मैसेज यहाँ पर अगर क्रिएट ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो मेरे पास ये ब्रॉडकास्ट टू यूट्यूब सेलेक्टेड है। तो यहाँ से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई और फेसबुक करनी है, लिंक्डइन करनी है, मतलब कोई भी आप कर सकते हो। मैं फिलहाल यूट्यूब से हमने करना है, मैं सिखाऊंगा आपको दोस्तों को। तो यूट्यूब पर हम जाते हैं, यूट्यूब हमारे साथ ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पर कोई भी लाइव स्ट्रीम का टाइटल दे देते हैं, बस अभी मैं टाइटल दे देता हूँ गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स कर लेते हैं पूरा इसका नाम टाइटल का। तो डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने पब्लिक करना है, कैसे कर प्राइवेट करना है वो आपकी मर्जी। तो उसके बाद आपने क्रिएट ब्रॉडकास्ट कर दें। क्रिएट ब्रॉडकास्ट में आपके पास एक इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने दोस्तों इंटर ब्रॉडकास्ट में चला जाना है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको मोर के बारे में अलग बताना चाहूँगा। मोर में हमें क्या कुछ बताया है कि हम शुरू में ही व्यू ऑन यूट्यूब जो भी हमारी ब्रॉडकास्ट है इस वक्त यूट्यूब पे भी जा चुकी होगी, वहाँ पे आप अपनी मर्जी का थंबनेल लगा सकते हैं। तो ये हमें अभी डायरेक्ट यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। तो ये हमारी आ चुका है यूट्यूब पे हम आ चुके हैं इस वक्त। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इधर आ चुके हैं, अभी हम थंबनेल लेकर इसका जो आता है थंबनेल इसको यूज़ करने कर रहे हैं। तो आप हम यहाँ से सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं अपने आइकन पे, लोगो पे क्लिक करें और यहाँ से आप जाके क्रिएटर स्टूडियो में अपना थंबनेल लाइव स्ट्रीमिंग में जाके कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद दोस्तों आपने StreamYard को उस वक्त ओपन कर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद इंटर ब्रॉडकास्ट में मोड में सेटिंग में इन्वाइट अ गेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी आपके साथ जो कोलेबोरेशन में आना चाहता है तो शुरू में ही आप उसको इन्वाइट पर ले सकते हो। इन्वाइट पर क्लिक करने के बाद ये कोड होता है, ये आप कोड उस दोस्त को व्हाट्सएप भी कर सकते हो या तो आप इसको जीमेल कर सकते हैं। जीमेल करते हैं तो वो अगर मैथड में आपको मज़ीद आगे बताऊंगा। जीमेल भी आप उसको कर लें, उसका ईमेल लेके। तो आपने इंटर ब्रॉडकास्ट में अगर नेक्स्ट चाहता हूँ इंटर ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा, जो मेन फीचर्स हैं वो बताऊँगा इसमें, कवर करूँगा वीडियो में। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं इंटर हुआ तो यहाँ पर मेरे पास नई स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने पहले एडिट अवतार
अवतार मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी का, सिलेक्ट कर लें अपलोड इमेज में जाके, तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख लें। तो मैंने फ़िलहाल ये सिलेक्ट किया हुआ है, आप अपलोड कर सकते हैं अपलोड इमेज में जाके। तो उसके बाद दोस्तों डिफ़ॉल्टली तो ये इस तरह होगा, ये इस तरह बिल्कुल ब्लैंक होगा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, फिर इसको डन कर लें। दूसरी बात है दोस्तों, अभी आप हमारे पास म्यूट स्टार्ट कैम या सेटिंग तीन ऑप्शन आ रहे हैं इस पर। तो म्यूट मीन्स के ऑडियो है आपकी, तो आप ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो आवाज़ आपकी म्यूट हो जाएगी। और अगर आप इसको म्यूट नहीं करना चाहते तो अनम्यूट स्टार्ट कैम करना चाहते हैं तो स्टार्ट कैम को अभी कर सकते हैं। तो मेरे पास कैम इस वक्त नहीं है, तो ये कोल्ड ऑन फाइंड कैमरा तो इसे कर रहे हैं हमें, तो इसलिए हमारे पास कैमरा नहीं है इस वक्त, कोई कैम वगैरह नहीं है। सेटिंग्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, तो सेटिंग में हमें ये बताता है कि किस रेजोल्यूशन में आपका कैमरा रेजोल्यूशन हो। तो ये 360p में लो डेफिनेशन किया हुआ ताकि हमारी स्ट्रीम जो है वो इसको स्टार्ट ना करे, ना हैंग वगैरह ना हो, तो वो उसकी सेटिंग है। अगर कैमरा है तो कैमरे की रेजोल्यूशन वगैरह होती है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले नेम आप पूछ रहे हैं कि क्या नेम आए, जैसा कि अभी ये आप देख सकते हो मेरी यहाँ पर ITSITEON लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो भी डिस्प्ले नेम आपना आना चाहिए तो वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अगर लाइक नहीं किया मेरी वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दें प्लीज़। तो ये करने के बाद स्टेप दोस्तों इंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में चले जाएँ। यहाँ पे इंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो न्यूज़ स्क्रीन कुछ हमारे पास इस तरह की आ गई है। तो यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं जो काम करना होता है यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरा है ITSITEON यहाँ पर इस लेफ्ट साइड पे, तो ये मैंने स्क्रीन पे लाना होता है, जब तक नहीं लाऊंगा ये। अगर आपका माइक वगैरह जो जो भी कुछ है आप बोल रहना चाह रहे हैं नहीं हो सकेगा, इस पर ऐड टू स्ट्रीम करने के बाद ही आप बोल सकेंगे, क्योंकि आपका माइक सब कुछ इसके साथ कंट्रोल है और आपके ये लोगो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर इसको यहाँ से दोबारा से रिमूव फ्रॉम स्ट्रीम करोगे तो ये हट जाएगा और आप इसको बोल नहीं सकते, सिर्फ आप मैसेजेस को देख सकोगे लाइव स्ट्रीम में, वो मैं आगे बताऊँगा जाके। तो ऐड टू स्ट्रीम ये मैं क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो तीन दोस्तों को कोलैबोरेशन पे लेना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपका लोगो सबसे ऊपर रहे और बाकी दोस्तों का लोगो छोटा छोटा आए, तो यहाँ पे क्लिक कर लें, आपका लोगो यहाँ पे बड़ा आएगा, बाकी दोस्तों जो लोगो हैं वो साइड पर छोटे बन के आ जाएंगे। तो इस तरह के लोगो का उस सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्ट्रीम कॉमेंट्स वगैरह भी आते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ जाके। बैनर्स भी हैं, बैनर्स भी अपने मर्जी के लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बैनर्स लगाए हुए हैं कि जो भी मेरे दोस्त फर्स्ट टाइम आए जैसे मैसेज आए ये देख सकते हैं। शुरू में ये लगा रहेगा जिस वक्त तक मैं चाहूँगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो वेलकम टू लाइव माई स्ट्रीम गुड मॉर्निंग। तो अगर इसको हटाऊँगा तो यहाँ से हट जाएगा, ये मेरा नाम आ जाएगा चैनल का। तो ब्रांड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ये जैसे ब्लैक आया हुआ इस तरह का, तो कलर इसको आप यहाँ से लेकर कलर भी ले सकते हो, अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये कलर वगैरह हो गया दोस्तों, ये मिनिमाइल है, ये बिल्कुल साइड भी आए, बाकी ये ब्लैक होके आ जाए, तो ये मिनिमाइल में है। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट मैं डिफ़ॉल्ट ही लूँगा, अच्छा लगता है। बाकी लोगो अगर आप चाहते हो कि ये लोगो वगैरह ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा, तो इसकी परचेजिंग होगी। तो ओवरले भी है हमारे पास, ओवरले में ये नीचे भी आ जाएगा, लाइव स्ट्रीम शो करेगा ऊपर भी किससे लाइव कर रहे हो। तो फिलहाल मैं नहीं चाहता इसको, तो बैकग्राउंड जो लगा हुआ है इसको बैकग्राउंड लगा, मैं इसको लोगो को यहाँ से हटाऊँ तो ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, इसको अगर हाइड करूँ तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी स्क्रीन। तो ये हो गया कुछ सेट टाइप, डिस्प्ले शो डिस्प्ले नेम, ये जो ITSITEON है या डिस्प्ले नेम आई का ना है तो वो है। तो इसके बाद प्राइवेट चार्ट का मैं ज़रा डिस्क्राइब करता हूँ। तो प्राइवेट चार्ट में जो दोस्तों के साथ कनेक्टेड हैं, तो जो भी दोस्त आपके साथ मतलब इस वक्त आपने कोलेब्रेशन पर लिया हुआ है तो उनसे प्राइवेट चैट कर सकते हैं। प्राइवेट चैट वगैरह जितनी भी मैसेजेस करेंगे वो अब जो दोस्त कनेक्टेड हैं उन्हीं को शो होगा, किसी और को शो नहीं होगा। और बाकी जो कमेंट्स वगैरह आएंगे वो कमेंट्स में आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों आगे तो करने सेटिंग हो गया, तो शेयर स्क्रीन है इसका ऑप्शन जो सबसे मुझे अच्छा लगा कि आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं जो इस वक्त लाइव चल रही है आपकी। तो ये इंटायर जो स्क्रीन इस वक्त जितनी भी जो मैं वर्किंग जहाँ जहाँ जाऊँगा तो उसमें वो उसको कैप्चर करके आगे दोस्तों तक जाएँ। तो ये है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यही यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ गया। अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ अपनी साथ में जो सॉन्ग चला रहे हैं या वो भी दोस्तों तक आवाज़ दें तो शेयर ऑडियो भी क्लिक कर दें। इस तरह जो भी आप इसमें जो भी आपको आवाज़ वगैरह जो भी आपने सुन रहे हैं वो भी दोस्तों तक सुनाई देगा, तो शेयर कर देंगे हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप इंटरेस्ट स्क्रीन को भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन विंडो को भी कर सकते हैं, सिर्फ जो भी एप्लीकेशन चल रही है और ओपीरो टैप में जो भी ओपीरो टैप में मुख्तलिफ आपने टैप्स खोले हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
शेयर स्क्रीन में ये फीचर्स हैं। और इसके बाद इनवाइट, इनवाइट सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपके साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात जो इनवाइट का है, दोस्तों को कोलैबोरेशन में कैसे लेते हैं तो वो है। तो अभी देख सकते हैं, मैं लाइव को लाइव नहीं किया लेकिन दोस्तों का नोटिफिकेशन जा चुका है, अस्सलाम वालेकुम आफाक, ये आ चुके हैं। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन पर मेरे टॉप पे शो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह हमारे पास आ चुका है। कमेंट्स वगैरह, किसी कमेंट्स को हम हाइट कर, क्या कहते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो इनवाइट में हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किसी को दोस्त को लेना है, ये कोड मैंने वो भी बताया था कि इसको दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या जीमेल, जिस मैथड के जरिए आप दोस्तों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ये कोड देना चाहते हैं, उस तरह देख के दोस्त को आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये कोड है। तो फिलहाल मैं इसको ईमेल करना चाहूँगा, मैं अपने ईमेल पे मैं मोबाइल से बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कैम भी नहीं है इसमें, पीसी में माइक भी नहीं है। तो इसको मैं मोबाइल से कैसे करूँगा, तो मैंने उसी तरह जीमेल पे क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं अपने आप को ईमेल कर लेता हूँ ताकि मेरा जो कोड मैं कॉपी करूँगा, मेरे पास और व्हाट्सएप वगैरह की फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको इसी से करूँगा, तो मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ जहाँ पे मैंने ईमेल करनी है, ये मैंने जिसको ईमेल करनी है तो वहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल एड्रेस और सेंड कर दिया। तो ये ईमेल मेरा सेंड हो चुका है। तो आगे ये सब प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो मुकम्मल होने के बाद दोस्तों गो लाइव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये गो लाइव पे करेंगे तो हमारी जो स्ट्रीम है अभी गो लाइव हो चुकी है। तो यहाँ से आप चैट वगैरह भी पढ़ सकते हैं, अभी जितनी भी चैट वगैरह हो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर आपको मसला हो रहा है कि यहाँ पे आप इसको कंट्रोल नहीं है, आपकी चैट वगैरह पे मॉडरेटर को ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको डिलीट करना मेरे आपके लिए मसला हो रहा है, तो कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं लोगों पे और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ऑन यूट्यूब, वो ट्रैक आपको यूट्यूब पर लेकर चला जाएगा। तो आप यहाँ से जा के किसी पर कमेंट पढ़ें, रीड करें और साथ में डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप हमारे पास आ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अभी यूट्यूब पे मेरे स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाई आए थे, गो लाइव स्ट्रीम नहीं हुई थी। तो इस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग StreamYard से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो समझ आ चुकी होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।